लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा हम बोते हैं उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख, फोकट में मांगने की विद्या और किसी से हराम का खाने की विद्या को छोड़। अच्छी बात है, आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा मुझे, गायत्री मंत्र का सारा विधान भी बताया कि 24 साल में 24 गायत्री महाप्रचरण करने पड़ेंगे, जो कि रोटी और साथी पर रहना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने बताया था मैंने समझ लिया, नोट कर लिया और उसी की विधि पर लग गया। लेकिन ये एक नई बात थी। कौन सी? बोना और काटना। क्या बोया जाए और कहाँ बोया जाए? उन्होंने कहा भगवान के खेत में बो और जो कुछ भी तेरे पास है। मेरे पास क्या है आप बताइए? उन्होंने कहा तीन चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और एक चीज़ तेरी कमाई हुई है। तीन चीज़ भगवान की दी हुई क्या? शरीर भगवान ने दिया है एक, बुद्धि भगवान ने दिया दो, भावनाएं भगवान ने दी हैं तीन। तीन शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म स्थूल और कारण, इनमें तीन चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय, सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि और कारण शरीर में भावना है। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या धन? धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तू बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ है और वक्त का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है सारा विश्व भगवान का खेत। ये भगवान विराट है, विराट इसको कहते हैं, जो कि है अर्जुन को उन्होंने दिव्य चक्षु देकर के दिखाया था, देखिए विराट यही मेरा रूप है और मेरा कोई रूप नहीं है। किसी को कभी देखने का हो मेरा रूप तो उसको मेरा विराट रूप देखना चाहिए, समस्त सृष्टि को देखना चाहिए। और इसी समस्त सृष्टि के बारे में जो कुछ भी करना हो, उससे भगवान के लिए जो पूजा करनी हो, समस्त सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा हुआ, बोना और उगाना इसी में बो, भगवान के खेत में बो, अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समन्वित बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन तीनों चार चीज़ों को जो तेरे पास में लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी और तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है, इसीलिए हमारा पिता हमसे प्रसन्न। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रसिद्ध ध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर किया गया। कुएं की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल आवाज़ उसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा जो कुछ भी हमारे पास है तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा। गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। खेल में वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको? राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है, सबरी के पास गया मांगता ही गया। हम भूखे खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया।
गोपियों के पास गया, उसने कहा भूखे हैं, तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ना। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है, ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिए। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास। तो उसने कहा तो 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी जमीन उससे नाप करके और ये सब कर दी। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए, चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। ढोला के देखी तो उनकी एक पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना, हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको, हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे, हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे, नहीं हमने ये नहीं कहा क्या देगा, हमारा तो भगवान ऐसा ही है और उसके लिए हमने सारी जिंदगी भर मरे और खपे, वही हमारा गुरु है और वही हमारा भगवान। स्वाहा।